दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 20 मई 2024 सोमवार। एक बार फिर से हम आपके लिए आज की 5 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा धारक कैंडिडेट इन भर्तियों के फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाई कोर्ट, बिजली विभाग और भी अन्य विभागों में बम्पर भर्तियों की अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहां पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं 20 मई 2024 की 5 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है उड़ीसा हाईकोर्ट में। उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये भर्ती है, पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO और जूनियर स्टेनोग्राफर की 182 वैकेंसीज है। ASO के लिए यहाँ पर 147 पद है, स्टेनो के लिए 35 पद है। आवेदन इसके लिए आज ही से शुरू होने जा रहे हैं। आवेदन की स्टार्टिंग डेट 20 मई 2024 है, लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 18 जून 2024 है। सैलरी ASO के लिए 35,400 से 1,12,400 है, स्टेनो के लिए 25,500 से 81,100 है प्रति माह के लिए। डिग्री पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 32 वर्ष आयु सीमा है, ₹500 फीस है, जो कि आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री एग्जामिनेशन या टेस्ट, मेन रिटन एग्जामिनेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट और वाइवा वॉइस टेस्ट के आधार पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उड़ीसा जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। उड़ीसा हाईकोर्ट .NIC.IN की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें सेकंड नंबर की जॉब निकली है वो निकले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास में। यहाँ पर भी डाटा एनालिस्ट, पेटेंट अटॉर्नी और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। वैकेंसीज आप नोटिस से ही चेकआउट कर सकते हो। आवेदन इसके लिए 15 मई से शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट 29 मई 2024 है। सैलरी डाटा एनालिस्ट के लिए 25,000 से 40,000 है, पेटेंट अटॉर्नी के लिए 18,000 है, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18,000 से 25,000 है प्रति माह के लिए। डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 18 वर्ष आयु सीमा है। फीस आप कैटेगरी वाइज नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। मद्रास जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। ICANDSR IITM.AC.IN की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर थर्ड नंबर की जॉब है वो भी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड MADISCOM बिजली विभाग में निकली है। विद्युत सहायक की पोस्ट है, 5,347 वैकेंसीज है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 20 जून 2024 है। 25,880 से 50,835 सैलरी है प्रति माह के लिए। 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। फीस ओपन कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 250 है, BCAA ऑर्फन्स के लिए 125 है, PWD EXS मैन के लिए फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। महाराष्ट्र जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। MADISCOM.IN पोर्टल से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर की जॉब है वो भी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बिजली विभाग में निकली है। जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की पोस्ट है, 468 वैकेंसीज है। 20 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट ईयर के लिए 19,000, सेकेंड ईयर के लिए 20,000, थर्ड ईयर के लिए ₹21,000 सैलरी है प्रति माह के लिए। BCOM, BMS, BBA और साथ में MSCIT से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 30 वर्ष आयु सीमा है। फीस ओपन कैटेगरी अप्लाइड अगेंस्ट ओपन कैटेगरी के लिए 500 है, रिजर्व कैटेगरी ऑफरेंस कैंडिडेट्स के लिए 250 है। PWD EXS मैन को फीस जमा नहीं करनी होगी। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, रुपए, वीजा, मास्टर, मैस्ट्रो, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS के माध्यम से कर सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हो। महाराष्ट्र जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। MADISCOM.IN की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें 5 और लास्ट नंबर की जॉब निकली है
वो निकले उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान के अंतर्गत भर्ती है। पोस्ट है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, साइंटिफिक ऑफिसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 60 वैकेंसीज निकली है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 31 मई 2024 है। हार्ड कॉपी सबमिट करने की लास्ट डेट 7 जून 2024 है। सेल या पोस्ट वाइज नोटिस से ही चेकआउट कर सकते हो। मास्टर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 40 वर्ष आयु सीमा है। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 2500 रुपये फीस है। एससीएसटी पीएच के लिए 2000 है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। बिना एग्जाम के भर्ती है। इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यूपी उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। upsifs.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी आज के यानी कि 20 मई 2024 सोमवार की टॉप 5 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।